वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेंस का पार्ट नंबर टू। लेंस का पार्ट नंबर वन में जो आप पढ़ाई किए थे वो था आपका अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक से संबंधित हम लोग अध्ययन किए थे। इस पार्ट टू में हम लोग अध्ययन करेंगे, वो भी अपवर्तनांक का ही है, लेकिन अपवर्तनांक दो तरह के होते हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो आज की पढ़ाई में निरपेक्ष और सापेक्ष लेके हम आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज कि निरपेक्ष अपवर्तनांक n, इसका जो सिंबल होता है n होता है। अपवर्तनांक की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यह घटना अपवर्तनांक कहलाता है। यही पढ़े होंगे आप। अब यहां पढ़ेंगे अपवर्तनांक के प्रकार। तो दो तरह के अपवर्तनांक होते हैं, एक होते होता है निरपेक्ष, जो मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं, और एक होता है सापेक्ष, जो इसी वीडियो में अभी आगे पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। जैसे बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम। तो यहाँ क्लियर कर लीजिए, बहनी आप इनाला जो विगियर कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बहनी आप इनाला कहते हैं, तो उसमें सात रंग होते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में कुल सात रंग होते हैं, जिसमें बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे ज़्यादा होता है, और जो लाल रंग होता है उसमें सात रंगों में, जिसको हम धनुष रंग भी कहते हैं, इंद्रधनुष रंग भी कहते हैं, उनमें लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखिए, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आपसे पूछा जा सकता है कि चार ऑप्शन दिया रहेगा, एक प्रश्न पूछेगा कि किस रंग का प्रकाश, किस रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो जवाब में उत्तर में अगर कहीं बैंगनी लिखा होगा तो वही सही होगा। अगर पूछता है किस रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो जो ऑप्शन में लाल रंग दिया होगा वो लाल रंग ही सही होगा। तो याद रखिएगा, लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे यहाँ पर कुछ बातें समझाने के लिए मैं यहाँ बनाया हूँ, उसको भी समझ लीजिए। माना वायु में प्रकाश की किसी किरण के लिए आपतन कोण का आई, यानी आपतन कोण को हम आई से, जैसे यहां देखिएगा ये जो आई है आपतन कोण है और जो यार है अपवर्तन कोण है, ये पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। तथा किसी दूसरे माध्यम से गुजरने पर अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण को आर से लिखते हैं और आपतन कोण को आई से लिखते हैं। तो नियतांक साइन आई बटे साइन आर का मान उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे देखिए, ये जो है आई है, तो मान लेते हैं कि ये साइन आई माना है, माना गया है कि साइन आई यानी कि साइन दोनों के साथ लगाइए और ऊपर वाले यानी आई यानी साइन आई और नीचे वाला आर यानी कि साइन आर, तो जो अनुपात होगा उसी को हम अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक, ये तो आप पिछली वीडियो में ही पढ़े थे कि साइन आई बटे साइन आर बराबर यन, यानी नियतांक पढ़े थे, नियतांक पढ़े थे ना आप। एक चीज याद रखिए, यहां पर ये क्यों निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया गया है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब ही होता है कि पहला जो माध्यम है भाई, इसमें कंडीशन है कि जो पहला माध्यम है वायु या निर्वात होना चाहिए।
पहला माध्यम फिक्स है कि या तो वायु होगा या तो निर्वात होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो जब पहला माध्यम वायु या निर्वात हो और दूसरा माध्यम कुछ भी हो, जैसे अन्य माध्यम मैं यहाँ लिखा हूँ, तो अन्य माध्यम में जल हो या कांच हो, हीरा हो, कोई भी हो, लेकिन पहला माध्यम में वायु होना चाहिए या निर्वात होना चाहिए। निर्वात का मतलब जहाँ हवा नहीं है, या तो हवा वाला माध्यम पहला माध्यम है, यानी साइन आई, यानी जो पहला माध्यम है साइन आर, ये दूसरा माध्यम है। ठीक, तो पहले माध्यम में फिक्स है कि वायु या निर्वात होना चाहिए, और दूसरा माध्यम में कोई भी वायु और निर्वात छोड़ के कोई भी माध्यम हो तो वहां पर निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। आपको हम बता दें कि अपवर्तनांक की जो परिभाषा है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ये आप जानते हैं। लेकिन अगर एक माध्यम यानी पहला माध्यम वायु या निर्वात हो और दूसरा माध्यम कुछ भी हो तो उसे अपवर्तनांक ही नहीं कहते हैं, उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जब ये बात आपके सामने ला दी जाएगी कि जो पहला माध्यम है वायु या निर्वात है तो उसको सिर्फ अपवर्तनांक नहीं, उसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। वो अपवर्तनांक है ही है, लेकिन किस प्रकार का अपवर्तनांक है? निरपेक्ष अपवर्तनांक है, क्योंकि पहला माध्यम अगर वायु आ गया या निर्वात आ गया तो इस केस में वहां पर निरपेक्ष अपवर्तनांक ही होगा। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? देखिए, अपवर्तनांक को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, लेकिन ऐसा अपवर्तनांक जिसमें ऐसा अपवर्तनांक की क्रिया, ऐसा अपवर्तनांक, ऐसा अपवर्तन जो जिसमें पहला माध्यम वायु निर्वात होना चाहिए और दूसरा माध्यम कुछ भी हो, तो जब पहला माध्यम वायु या निर्वात अगर हो गया और दूसरा माध्यम कुछ भी है तो ऐसे केस में निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा बनती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक ये जो मैं लिखा हूँ आप इसको नोट कर लीजिए, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। अब आगे हम देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। आइए अब देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए, जब पहले माध्यम के स्थान पर, पहला माध्यम मतलब वायु या निर्वात, ठीक है, वायु या निर्वात, तो वही कह रहा, जब पहले माध्यम के स्थान पर, जैसे वायु या निर्वात के स्थान पर अन्य दूसरा माध्यम हो, कोई और दूसरा माध्यम हो, तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अभी बात समझ में आ जाएगी इस फार्मूले से। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक में अपवर्तनांक के चिन्ह यन के दोनों ओर क्रमशः पहले माध्यम जैसे वायु का संकेत ए दिया है तथा दूसरे माध्यम जैसे जल का संकेत W दिया है। एक ए का मतलब एयर हो गया और W का मतलब वाटर हो गया। तो इंग्लिश के पहले फॉन्ट को, पहले लेटर को इस्तेमाल किया है। ए मतलब हो गया एयर और W मतलब हो गया वाटर। अतः वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW से लिखा जाता है, यानी n का मतलब हो गया अपवर्तनांक। इसको कैसे पढ़ेंगे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। ए वाटर, ए जो है एयर होता है और W का मतलब वाटर होता है, इसी को हम कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अगर A के जगह पे A ही रहे लेकिन W के जगह पे कांच यानी G आ जाए, ग्लास, तो इसको कैसे लिखेंगे?
जैसे ए के जगह ए रहे यानी एन और डब्ल्यू के जगह जी रहे, तो जी का मतलब हो गया ग्लास यानी कांच, तो वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ऐसे बोलेंगे इसमें। अगर ए एन डी हो गया डायमंड, तो इसको कैसे बोलेंगे, वाई के सापेक्ष डायमंड यानी कि हीरे का अपवर्तनांक, वाई के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करने में यह सब प्रयोग में आएगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं और इसको आप नोट कर लीजिए, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी आंकी प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे तो यह सब उसमें प्रयोग आने वाला है। अब हम लोग देखते हैं आगे कुछ और भी सूत्र बनने वाले हैं, आगे और भी कुछ सूत्र समझ लेते हैं और लिख लेते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, इसी अपवर्तनांक का किसके साथ किस तरह से फार्मूला बनाता है ये भी हम समझते चलेंगे। अगर ऐसा नहीं समझेंगे और इसका अभ्यास नहीं करेंगे यानी सिद्धांत नहीं सीख पाएंगे तो हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो हमको सिद्धांत सीखना है कि अपवर्तनांक का किसके किसके साथ क्या क्या संबंध होते हैं। तो वही बात आगे बढ़ते हुए ये बात आ गई है कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध में क्या है, कैसा है, क्या नियम होता है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है, ये भी एक संबंध है अपवर्तनांक को लेके। ये भी एक संबंध है कि अगर प्रकाश की चाल दिया हो तो उस केस में अपवर्तनांक का क्या संबंध होता है। तो देखिए यहां लिखा है ए यानी कि वाई के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, जल का, यानी वाई के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसको कैसे आप पढ़ेंगे, वाई के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यन मतलब होता है अपवर्तनांक। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, यानी वायु माने जो यहां पहले रहेगा ए का मतलब वायु है तो इसको ऊपर लिखिएगा, जो बाद में रहेगा उसको नीचे लिखिएगा। तो इस तरह से ए का मतलब वायु, W का मतलब जल, तो जो पहले है वो ऊपर है, जो बाद है वो नीचे। तो इस तरह से ये फार्मूला होता है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं दो माध्यमों की तुलना करने पर जिस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होगा वह सघन तथा दूसरा उसके सापेक्ष विरल होगा। कुछ माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक इस प्रकार हैं। अब देखिए निर्वात में अपवर्तनांक यहाँ एक दिया है, वाय में एक से कुछ ज़्यादा है, लगभग लगभग एक ही है, कांच में डेढ़, जल में 1.33 और हीरा में 2.42, ठीक है, ये इसका अपवर्तनांक वैल्यू है ना? यानी कि अगर निर्वात और वायु एक साथ देखा जाए, दो को कंपेयर करिए, आप बस यहाँ कंपेयर के लिए दिया है, निर्वात और वायु दोनों को एक साथ में कंपेयर करिए तो तुलना करिए तो आप पाएंगे कि वायु का थोड़ा ज़्यादा होता है और निर्वात का कम होता है। तो आप बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन सघन है, तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो सघन होगा। जैसे वायु का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो वायु सघन हो गई और निर्वात विरल हो गया, तो विरल और सघन में यही डिफरेंट है। अगर हम वायु का कांच में संबंध यहाँ पर देखिए, तुलना करिए, तो वायु का तुलना कांच से, तो यहाँ पर एक और यहाँ डेढ़ है, तो इसका मतलब है डेढ़ है तो इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो सघन होता है। तो कांच और वायु में सघन कौन हुआ, कांच हुआ। अगर हम कांच और जल में संबंध देखते हैं, तुलना करते हैं, तो तुलना करिए, कांच में 1.5 और जल में 1.33, तो किसका ज़्यादा है, कांच का। तो यहाँ इन दोनों में कौन हुआ सघन, तो ये कांच सघन हुआ और ये विरल हुआ। मैं आपको बता दे रहा हूँ
कोई माध्यम कभी सघन बन जाएगा और वही माध्यम कभी विरल बन सकता है। कारण जब हम तुलना किसी दूसरे से कर रहे होंगे तो उस पर निर्भर करेगा कि वो सघन बन रहा है कि विरल बन रहा है। और इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण अपवर्तनांक करेगा। अपवर्तनांक ही बताएगा कि कौन सघन है और कौन विरल है। एक उदाहरण से और तुलना कर लीजिए, एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे निर्वात को सीधे हीरे से ले लीजिए, तो निर्वात का अगर हीरे से इन दोनों की तुलना करिए तो इसका एक है, उसका 2.42 है, तो इसका मतलब वो ज्यादा है तो वो सघन होगा और ये विरल होगा। यानी अपवर्तनांक जिसका कम होगा वो होगा विरल, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो होगा सघन। इसमें से कोई भी दो आप ले करके तुलना करके देख सकते हैं कि कौन सघन होगा और कौन विरल होगा। अगर इन दोनों की बात करें तो ये सघन होगा, ये विरल होगा, क्योंकि उसका मान ज्यादा है। इन दोनों की इसकी और इसकी बात करें तो ये होगा सघन, ये होगा विरल। इसकी इसकी बात करें तो ये होगा सघन, ये होगा विरल। तो बात वही है कि कंपेयर में देखना है किसका अपवर्तनांक ज्यादा है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है वो होगा सघन, और जिसका अपवर्तनांक कम है वो होगा विरल। अब आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस में होने वाले अपवर्तनांक के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसमें कुछ रूल होते हैं, 5 से 6 से 7 रूल पढ़ने होते हैं, जो पूरी क्लियरिटी आ जाती है। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं उत्तल और अवतल लेंस लेकर। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।